नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो में। अगर हमारे चैनल से आप लोग पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के बीच नए नए वीडियो जहाँ तक हम लोगों से संभव होगा हमारी टीम के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। चलिए, आज इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ट्वेल्थ का एग्ज़ाम है, टेंथ का एग्ज़ाम है, सिंगुलर प्लूरल अगर पूछा जाता है तो उनसे नहीं बन पाएगा या उन्हें नहीं अभी तक आ रहा हो, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे होता है ना, किसी प्रकार की जो बीमारी हो तो उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसी प्रकार टेंथ और ट्वेल्थ वालों के लिए इंग्लिश में सिंगुलर टू प्लूरल के लिए समझ जाओ एंटीबायोटिक है, क्योंकि उनको आता नहीं है तो याद कर लेने में ही भलाई है। गाँव में वैसे भी एक कहावत होता है ना कि नहीं अगर अपना मामा हो तो कन्हो मामा अपना होता है, उसी प्रकार से हैं। तो बनाने अगर नहीं आता है सिंगुलर से प्लूरल तो कुछ वर्ड है सिंगुलर टू प्लूरल उसको याद ही कर जाना है। तो सिंगुलर का मतलब सबसे पहले आपको बता दें, शायद याद आ जाए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल में मतलब हो गया एक वचन से बहुवचन। तो सिंगुलर का हो गया आर्मी, तो प्लूरल का हो गया आर्मीज। इसी प्रकार एसेज, बेबी, बेबीज, ठीक है। बम्बू, बम्बूज, बॉन, बॉन्स, बॉक्स, बॉक्सेज, बॉय, बॉयज, कंट्री, कंट्रीज हो जाता है, काउ, काउज हो जाता है, कराई, कैरिज हो जाता है, डे, डेज हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों को दिया गया है, सबको याद कर लेना है। ये आगे आपको दिख रहा होगा, पेज मेरा चेंज हुआ है तो इसको भी अध्ययन कर लेना है। और आप लोगों को आगे नियम भी वैसे हम देंगे बनाकर, लेकिन हो सकता है कि नियम आप लोगों को समझने की उतना समय ना रह गया हो, क्योंकि समय बहुत कम है और ट्वेल्थ वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पढ़ाया भी गया होगा, सब्जेक्ट होता है। लेकिन टेंथ वालों के लिए तो वैसे भी शिक्षक बता दे दिया रहता है कि आपका चांदी है, नहीं एग्ज़ाम दीजिएगा मैं इंग्लिश का तो यो चलेगा, ऐसे ऐसे शिक्षक बताते होंगे आप लोगों को। लेकिन बाबू, बिना अंग्रेजी का कुछ नहीं होता है, मैट्रिक भर मात्र अंग्रेजी का वैल्यू नहीं है, बाकी मैट्रिक के बाद आपको अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना लोग अंग्रेजी से दूर भागते हैं ना दसवीं तक, वही बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर रह जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर और अभी तो फ़िलहाल हम जितना कोशिश होगा हम आपको एक महीने में लगातार वीडियो देते रहेंगे, और सभी शिक्षकों द्वारा हमारा टीम है, उस टीम के द्वारा आप लोगों को मिलता रहेगा MPS Academy के चैनल पर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और सिंगुलर टू प्लूरल को आप लोग इसको याद कर लीजिए और बना भी लीजिए। बनाने के कुछ नियम हम आपको कल या परसों तक आपको उसका वीडियो बना के डाल देंगे, किसके अंत में क्या रहेगा तो क्या लगेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, सॉरी बनता है लेकिन उसका सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का कोई नियम ही नहीं है, वो सभी आप लोगों को पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले वाले हाइफन, फिर सेकेंड वर्ड, और चेंजिंग होता है केवल महत्वपूर्ण वर्ड में, सॉरी महत्वपूर्ण वर्ड में। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के बीच लेके आएंगे। इससे पहले आप लोगों के बीच मैं कुछ वीडियो डालूँ, उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी मित्र हो उन लोगों तक भी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पहुंच जाए। तो आप लोग ध्यान में रखिए और लोगों के बीच शेयर भी कीजिएगा, धन्यवाद। एक बार आखिरी बार भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। और ये देखिए मेरे पेज में तीसरा पेज खुल चुका है, कुछ और
बचे हुए थे उनको नीचे में दर्शा दिया गया है। तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सिंगल ट्यूटोरियल आप बना लें इसको। ये टॉपिक नॉर्मल में बता दिया हूँ, वैसे आगे इस पे चैप्टर पे बनेगा वीडियो और आप लोगों तक पहुँचेगा।